लोक प्रसार के मेरे सारे दर्शकों ने विनय लांबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जय हिंद। मेरे प्रिय दर्शकों, फिलहाल हम बैठे हैं खोखा गांव में और खोखा गांव बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और फेमस किस तरह हो गया है, ये दो प्राणी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे साथ में सुखविंदर खोखा और रेखा महराणा। खूब अच्छी तरह इन्हें जानते होंगे तुम सारे लोग और इनसे बात करने का प्रयास करांगे और इनसे सारी बात खोद खोद के कुरेद कुरेद की पूछांगे कि क्यों ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, के इससे फायदा हो है और समाज ने के नुकसान होने लगे, वो सारी बात पूछांगे। तो और आप दोनों का मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत पर्सनल रूप से देखा जाए तो विरोध कराया जाएगा, लेकिन चैनल के माध्यम से आपका स्वागत कर रहे हैं आप। मैं बताऊं, आप आए हो गाना सुन के और जिस आदमी ने गाना काटा है नी क्या कहे मेरे ऊपर गाना काटने का? नहीं, गाना हमने सुनिया, गाना सुनिया हमने, गाना सुन के आए हो आप? नहीं, गाना सुनिया तो गाने वाले ने क्या खास बात कह रखी इसमें? उसने तो अच्छी बात, उसने तो समाज के बारे में कह रखी है बात ना। वो नुका मन ने डूब दिया रही गाना, उसने कौन डूबा? डूब तो हमने दिया। तो मैं कहूँ हूँ भाई, मन ने हरियाणा किस तरह डबो दिया? नहीं डबो क्यों नहीं दिया, मेरी बात सुनो, उसने गाना में ये बात कह रखी है कि हरियाणा वाले हरियाणा को बचा लो, इन पापी गुरुओं से और ऐसी चेलियों से बचा लो, उनके बोल ये हैं। आपने नहीं सुना ध्यान से? मारी इमेज बताऊं कितनी खराब बोली, इतनी तो राम रहीम की भी कोनी हुई जे हमें इतने दोषी। हाँ कि मैं तो अच्छा काम करा उन्होंने भी समाज के हितमत काम करा कर दे, तम तारे काम तो नारायण बता दो क्या करो। मेरी बात सुनो, जे हमें दोषी हाँ तो हम बैर क्यों कर बैठे हैं? आसाराम बापू, ये रामपाल महाराज, राम रहीम सारे जेल में पड़े हुए, हमें बाहर है नहीं के बाढ़ देखो, नहीं के बाढ़ देखो, फिर जेल में जाने की बाढ़ देखो, जेल में इस जिंदगी तो मैं छिक रहा हूँ, इस तात सा तो जेल ठीक है, तो जेल करा दो। ओए आदमी, अगर जिंदगी तो छिक लिया हो तो मर्दा मर्दा आदमी की मैं अच्छा काम भी कर सके है, यो कौन सा अच्छा काम है ये बता दो तुम, समाज तरत के सीखे ये चीज सीखेगा के? लंबा मेरी बात सुन ले, यह गरीब घर की छोरी है, इसका मैंने साथ दिया, मैंने कोई मैं गलत करे है? नहीं, साथ किस चीज में दिया है? साथ आप जो काम कर रहे हो उसमें साथ देना के साथ देना होया? कोई समाज हित के बारे में साथ दे रहे हो इसका? कोई खास काम कि मैं कर रहे हो समाज के हित में, ये बताओ ना कि मैं क्या कर रहा हूं? यह मेरी चेली है और नु ये गाना यहाँ लग रहे नहीं बोला गुरु चेली का नाता बदनाम कर दिया तो करे दिया इसमें दोहराए तो है नहीं इसमें बदनाम क्यों करी जा रही है छोरी बताऊं? छोरी नहीं बदनाम कर रही, नाम तो आपका भी इसमें। हाँ तो मैंने इसका साथ दे दिया। छोरी को समाज बदनाम ही नहीं कर रहा है, छोरी को बदनाम कर रहे हो आप? हाँ मैं बदनाम कर रहा हूँ। हाँ, मैं जिस तरह इसकी माँ 220 रुपया दिहाड़ी करे नी और यह भी 220 रुपया दिहाड़ी पे जाओ है, फिर तो लागे सबना अच्छी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो 220 रुपया दिहाड़ी करे हैं वे सारे आपको दुरा और ये काम करो? यो कोनी तो जिसमें जो टैलेंट है वो काम करो। नहीं टैलेंट तो किसी में दाढ़ी का टैलेंट है, उसने अगर काम मिलने लग रहा है तो आपने दिक्कत क्या है? मेरी बात, आपने पूरे समाज का ठेका उठा लिया क्या दाढ़ी करने वाले का? मेरी बात सुनो, मैं जे समाज के लिए अच्छा करने लग रहा हूँ और मेरे को इस तरीके से बदनाम कर रहा जाने लग रहा, के बात नहीं बदनाम आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बदनाम करने वाले हैं? बदनाम नहीं कर रहे, वो आपको रोक रहे इस चीज को कि आप समाज में के गंद फैलाने लग रहे हो, उस चीज ने रोक लो। जो गाना सुन के आए हो आप उनका गल पकड़ो जाके। नहीं आपके हिसाब से वो गाना गलत है? जमा गलत है। क्या गलत है गाने में? मन हरियाणा कट तो डोब दिया और किसने डोबे है? और गुरु चली गाना था कौन सा किसने डोबे है और ये बताओ ना, ये गाना बनाया गया है आपके लिए बनाया गया है और एक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है ये काम सारी चीज, और आप उस गाने में गलत बता रहे हो? गाना जमा टोटल गलत हो। आपकी फैमिली है? है। आज आपके साथ है? तो घर बैठे होऊंगा मैं। आज आपके साथ है क्या? मेरे साथ है सारे। घर तो आपका है, आपकी चलो अच्छी बात है आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन क्या आपकी फैमिली आपके साथ है? पूरी फैमिली मेरी सपोर्ट में है और रहेगी। आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का है। सिर्फ एक लड़का है? अगर आपकी लड़की होती तो? लड़की होती तो लड़की भी मेरे साथ होती। को पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं चलता और मैं नहीं कहता कि किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, उसने कोई मजबूरी आ जाए दाढ़ी करनी पड़ जाए आप ये काम करने के लिए कहोगे ना? तो मेरी बात, किसी की बेटी है? मेरी बात सुनो, एक टेलीविजन में एड आया करती, मैं छोटा था उस टाइम, वॉशिंग पाउडर निर्मा हाँ। जो मेरा अणके हैं उन सब ने देख रखी है, शायद आज भी आंधी होगी। उस वो
सरकारी कर्मचारी था, ठीक है, कोई भी था। मैंने मुद्दे बात बताओ ना, पूरी कहानी बताओ। डट जाओ, बात ना पब्लिक ने समझने दो। समझाओ समझाओ, जल्दी समझाओ। ड्यूटी करता है रेत, रेत में रेत में हाथ में रह करता हूँ। लोग नुगार दे पागल है हो, पागल है हो। रोनू कहवा क्या करता, बोले बुढ़ी है ना, बुढ़ी लुगाई पहले जो दामन सुखाया कर दी, रेत में सुखाया कर दी, तो उसके दिमाग में एक चीज आएगी, भाई इस रेत में सी कोई ताकत है जो मैल काटे है। और उस आदमी ने वॉशिंग पाउडर निर्मा बना दिया और सारे टेलीविजन मशहूरी आंदी होगी। वॉशिंग पाउडर निर्मा हो चेहरे, तो इसमें आपकी कहानी से कितना लुक आती है बताओ ना। तो मेन मुद्दे की बात बताओ, आपका मेन मुद्दा ये है, तात्पर्य है, मैंने स्टोरी में टैलेंट देखा। टैलेंट देखा आपने, टैलेंट अच्छे कार्य में हो सकता है। अगर ये एक्टर है तो अच्छा है, काम कर रहा है, इसको एक्टिंग आती है तो, और अच्छे मुद्दे भी बहुत गणे हैं तो अच्छा है। मर्डर फिल्म मेरी बात सुनो, मर्डर फिल्म आपने मर्डर फिल्म देखी? देखी है। और भी फिल्म दुनिया भर की आई है, वे क्यों नहीं देखी आपने? उन तक क्यों नहीं शिक्षा दिया आपने? मर्डर फिल्म से क्यों ले रहे हो आप इसको? मर्डर फिल्म तो क्योंकि मारा मर्डर ऑन हो रहा है, तो मर्डर ई ऑन हो रहा होगा इससे पहले। तो मर्डर फिल्म इस देश ने देखी? कौन देखी, कमेंट कर दियो भाई। नहीं, देश ने देखी। अर्जुन ने नहीं देखी, मैं देख लियो। नहीं, देश ने देखी, अमर ना देखो। तो आपका कहने का मतलब ये होया कि मर्डर फिल्म देख के सारा देश यो काम लग जा, ये संदेश देना चाह रहे हो आप ना? तो क्या कर रहे हो, मतलब आपकी भी बेटी बहन भाई हमारी भी सभी लोग ये काम करने लग जाए, ये संदेश हुआ? मेरी बात सुनो। हाँ जी, एक फिल्म आई मतलब गदर, गदर फिल्म में क्या आप ना गदर पर क्यों नहीं बनाई फिर, ऐसी चीज बनाओ ना संसार में। तो मेरा तो खुद का ही गदर मचा दिया था मैंने। नहीं, हमने क्यों गदर मचाया, हमारा तो काम है पूछना। समाज के अंदर अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसकी आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है, और आप लोग ये कार्य कर रहे हो। मेरी वीडियो तो इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। फिल्म के अंदर, गदर फिल्म के अंदर आपने ये संदेश मिला कि गदर फिल्म संसार के लिए, देश के लिए, देश धर्म के लिए कार्य करने वाली फिल्म है। तो मैं भी मेरी चली खातर है नी, सबने मार दूंगा। आपके लिए चली सरोपरी है और कोई समाज पूरा जो को नहीं बोले गुरु चली का नाता चली बड़ी है, समाज बड़ा है, बताओ पहले तो। चली बड़ी है, समाज आपके लिए कोई मायने रखता? मेरे लिए पहले मेरी चली है, समाज है, मैं मेरी चली खातर है। समाज आपके लिए मायने रखता नहीं रखता? मैं मेरी चली खातर जी देश को, जान देश को मेरी। गर्दन से को अच्छे काम बिकरवा उसको, तो अच्छा ही कराऊं के अच्छा काम है यो, कौन सा क्षेत्र बताओ इस चीज से ये काम मेरा अच्छा है और इस चीज से ये फायदा हो रहा है समाज को। समाज ना हमें शिक्षा देना है, मतलब यो है समाज ने शिक्षा देना है। हां मेरी बात सुनो। हां कितने पत्रकार बंधु आपके द्वारा आए हैं? बहुत आए रे, सारा हरियाणा के तकरीबन पूछ लिए होंगे। हां सब ने आपते किसी ने अच्छा काम तो आप तक बताया कोनी, किसे नहीं बताया, सारे आप समझा गए हैं। मैं बताऊं, सारा का है पट्टी बंद रही है, पे पट्टी ने खोल दो ना फिर, उसने कद खोलोगे क्या की बात देखो। तो आपका काम सच दिखाना है, नहीं दिखा रहे हम तो, और सच तो, एक बात बताओ आप, सच आप पहले ये बताओ आपका मेन एम के है, उद्देश्य के है ये चीज करने का, ये बता दो ना। मैं तो इस गरीब पर्सनल फायदा देख रहे हो या फिर समाज का फायदा देख रहे हो? मेरी बात सुनो, लंबा साहब मेरी बात सुनो, या गरीब छोरी है मेरी चेली है और मेरी चेली रहेगी, इस खातर मैं गर्दन कटवा लूंगा। चेली रहेगी और तुम इसके गुरु रहोगे, ठीक है, लेकिन चेली और गुरु के काम क्या होते हैं वो तो बता दो ना। आध्यात्मिकता में भी आ सकते हो आप, समाज का कोई अच्छा कार्य है उसमें भी कर सकते हो। समाज ना बताए गए हो, बच्चे ने पढ़ाने का काम है वो कर सकते हो। इस गुरु इसने चेली ने कि मैं चार डाखड़े सिखा कि बच्चे ने चेली, चेली ने मैं बताऊं, लेकिन तो मन लगे दर्द को बालक आना कौन सा होगा। लंबा समय मैं बताऊं, मेरी चेली ने बोलना को नहीं आया करता, पहली वीडियो इसकी चेक कर लियो। तो ही डाल बोलना आ गया, तोता ही डाल तो कौन आ ना, मैं तोता ही डाल बुलाना चाहता। छोटो काम है, मैं पटापट बोलने लगे जी, छोटो काम है जी, वो वह देश की जनता निर्णय करेगी। निर्णय कर रहा क्या, लेकिन मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात और आपने बता दी लामा साहब मेरी सुन लो। सुनाओ, मेरी चेली मैंने कदे धोखा दे जो, मैं गुरु हूँ इसका, मैं इसने कदे धोखा कौन दे। आपने बात करी कमेंट की, हाँ निर्णय की, हर एक वीडियो ने हम देखा पिछले काफी दिन एनालिसिस हम करने लग रहे हैं। जितने भी कमेंट आओ हैं रात ने 11-11 बजे फोन करके न्यू कम हैं, उसके जाके मारे क्यों नहीं तमने, उसके जाके मारे क्यों नहीं तमने, मैं तो नुको मेरी गट्टी तार लो, क्या की बात देखो।
गेटी तार दो, मतलब एक के पर में पंडा छूटेगा, मरना है तो दूसरे के सिर लाके मरना है, मतलब वो भी उसमें भी कोई समाज का आपने बुराई उसमें बुरा करना है, मतलब मरना है तो भी दूसरे का नाम। मेरी बात सुने, पहली बात तो आप आज गाना रिलीज हुआ वो गाना सुन के उरे भाजी आई, आप उंदर क्यों नहीं गए? उंदर भी जावांगे, उनने भी पूछांगे, लेकिन उनने नहीं, मैं बदनाम कर दिया उनने। भाई साहब आपकी कोई बड़ाई कौन करा किस गाने में? भाई आपने को मेडल दे रखे, आपने को माला पर आके सम्मानित कर रखे है। मन्ना कौन सा हरियाणा डोब दिया मैनू को हरियाणा ने बचा लियो? तो भाई साहब हरियाणा मन्ना डोबे होता तो मेरी खतर गाना बना दें दे, हरियाणा डोबे आपने तर खतर बना रखे है। समाज में जागरूकता जरूरी है और तो हम के जागरूकता लेने लग रहे हो बताओ।